दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोफेशनल एडिटिंग कुछ इस तरीका से अपने फोटो पे कैसे करते हैं। अगर आपके पास पुरानी से पुरानी फोटो हो और आप भी उस फोटो की क्वालिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज करना चाहते हो तो कुछ इस तरीका से अपने फोटो पर प्रोफेशनल एडिटिंग करके आप अपने फोटो की क्वालिटी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने फोटो की क्वालिटी काफ़ी हद तक बढ़ाना चाहते हो तो कुछ इस तरीका से अपने स्मार्टफोन से प्रोफेशनल एडिटिंग करके आप अपने फोटो की क्वालिटी काफ़ी हद तक मिनटों में बढ़ा सकते हो। तो चलते हैं आगे वीडियो में बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी अनेबल कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा और आप हमारी हर वीडियो इजीली फास्ट देख पाओगे। तो चलते हैं देरी किस बात की यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं एक प्रोफेशनल एडिटिंग मोबाइल के माध्यम से कुछ इस तरीका से कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उस एप्लीकेशन का नाम है स्केचबुक, यही वाली वो एप्लीकेशन है, आप देख पाएंगे। ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, जिसे आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे SKETCHBOOK स्केचबुक, तो ये एप्लीकेशन आपको वहाँ पर दिख जाएगी और कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो आप देख लीजिए एप्लीकेशन का, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी और वहाँ से आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वाले एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे और जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, तो हमने पहले से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर और इसी फ़ोटो का आज हम क्वालिटी बढ़ाने वाले हैं, मतलब इसी फोटो को काफ़ी क्लीन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस फ़ोटो को हम जूम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये पहले कैसा दिखता है। तो गाइस आप देख लीजिए पहले कुछ इस प्रकार का ये फ़ोटो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्लैक है और यहाँ पर भी ब्लैक है और यहाँ भी साइड में भी ब्लैक है, हल्का सा यहाँ गले पे भी काला मतलब ब्लैक दिख रहा है, मतलब बहुत क्लीन फेस नहीं है। लेकिन अभी जब हम इसे एडिट कर लेंगे इस ऐप की मदद से, उसके बाद आप देखिएगा एक प्रोफेशनल फ़ोटो ये दिखने लगेगा। तो चलते इसे हम एडिट करते हैं और फ़ोटो को क्लीन करते हैं प्रोफेशनल तरीक़ा से, एडवांस लेवल में फ़ोटो को क्लीन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रश दिखाई देंगे, कुछ इस तरीका से बहुत सारे ब्रश आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इनमें से ये जो ब्रश है इसी को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर सेटिंग दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलते हैं हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और जैसे हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको साइज पहले सेलेक्ट कर लेना है, तो साइज़ आपको यहाँ पर रखना है 33.2 और ये जो सेकंड नंबर पर है फ्लो लिखा हुआ है ये आपको 3% करना है और जो सबसे थर्ड नंबर पर है इसे आपको 4% रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर घोड़ा का निशान दिख रहा होगा कट का, इस पर आपको क्लिक कर कट कर देना है। अब चलते हैं थोड़ा हम फेस को क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों उंगली स्क्रीन पर लगा कर खींचना होगा, उसके बाद ये फ़ोटो जूम हो जाएगा। और अब हम नीचे यहाँ की साइड जो है इसे हम क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं इसे हम क्लीन कर लेते हैं। तो उंगली स्क्रीन पर रख कर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप उंगली को रखना है, उसके बाद उंगली से साफ़ करना है, मतलब फेस पर उंगली को रगड़ना है, उसके बाद आपका फेस काफ़ी क्लीन होता चला जाएगा। तो चलते हैं फटाफट हम फ़ोटो को जूम करके फेस क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फटाफट क्लीन कर लेते हैं, आप देख पाएंगे हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर उंगली रखकर और अपने फेस पर मतलब उंगली को घिस रहे हैं, उंगली से फेस पे घिसाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारा फेस काफ़ी क्लीन होता जा रहा है। थोड़ा फोटो और हम जूम करेंगे, उसके बाद गले पर उंगली से रखकर सफाई करना है, क्लीन करना है, मतलब आप अपनी उंगली जहाँ रखकर घिसाई करेंगे वो एरिया क्लीन होता चला जाएगा। तो फटाफट करते हैं, यहाँ कर लेते हैं ओठ के पास उंगली रखकर सफाई करते हैं, कुछ इस तरीका से। अब थोड़ा हम वीडियो और जूम करेंगे हल्का सा फ़ोटो, उसके बाद यहाँ साइड में कर लेते हैं ईयर के पास कान के पास, उसके बाद इस साइड में करेंगे हम, इस साइड में करते हैं सफाई।
तो देखिए गाइस, हमने अपना फ़ोटो कुछ इस तरीक़े से कितना क्लीन कर लिया है, पहले कैसा था और ये फ़ोटो अब कैसा दिख रहा है आप बताइए।